हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एडवाइस। आज हम लोग हाइकनाशी RSI ऑक्सीलेटर के बारे में बात करेंगे, जो कि शायद एक बहुत ही अच्छा स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छे से हमें अवेयर कराता है कि मार्केट में कब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस बन रहे हैं। ये स्ट्रेटजी छोटे ट्रेडर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिससे सही एंट्री पे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। ओके, अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स पे और बात करते हैं अपने स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी के लिए हमें अपने टाइम फ्रेम को 1 मिनट में सेट करना है, और ये मेरा पर्सनल एडवाइस है कि इस स्ट्रेटजी को कम मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, लाइक 1 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट मैक्स टू मैक्स। ओके, नाउ ऐड आवर इंडिकेटर्स। हमारा पहला इंडिकेटर होगा हर्शी। इस इंडिकेटर को हमें ऐड करना है आइकनासी RSI ऑक्सीलेटर, जिसको 3000 लोगों ने सेव कर रखा है। इसको अपने चार्ट पे ऐड करेंगे। लेट्स डबल क्लिक ऑन इट एंड चेंज इट्स सेटिंग्स। पहले हमें इनपुट सेक्शन में जाना है। पहले हम लेंथ को चेंज करेंगे। इसको पहला लेंथ होगा हमारा 10। ओपन स्मूथिंग को हमें 5 करने कर लेना है। ये इन दोनों सेटिंग्स को चेंज करने के बाद अभी हम स्टाइल्स में जाएंगे और कुछ ऑप्शन को हम लोग डिसलेक्ट कर लेंगे, लाइक अभी हम दूसरे इंडिकेटर को ऐड करेंगे EMA। इसके भी सेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं। लेंथ को यहाँ 9 से 200 कर लेंगे और स्टाइल्स में जाके थोड़ा और विजिबल कर लेंगे। हमारा थर्ड इंडिकेटर होगा हायर हाई एंड लोअर लो स्ट्रेटेजी। इसके स्टाइल में जाके हमें खाली 2 ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन को डिसलेक्ट करना है। पहला होगा हायर हाई, यानी इसको छोड़ना है, और दूसरा हमें लोअर लो को छोड़ना है। बाकी सारे ऑप्शन को हमें रिमूव करना है। ओके, नाउ आवर सेटअप इज रेडी, लेट्स टॉक अबाउट आवर ट्रेडिंग रूल्स। इस स्ट्रेटजी में सबसे पहले हमें ट्रेंड का पता करना है, इसलिए हमने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऐड किया। अगर मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चलता है, जैसे यहाँ पर चल रहा है, तो हम लोग इससे ये पता चलेगा कि नहीं मार्केट अभी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पर हम लोग बाई या फिर लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करेंगे। और अगर मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, इट मींस कि मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट या फिर सेल पोजीशन अपना बिल्ड करेंगे। ओके, अभी हम अपने कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि किन कंडीशंस पे हमें लॉन्ग करना है और या फिर हमें शॉर्ट करना है। पहले हम बात करते हैं लॉन्ग्स के लिए। हमारा पहला कंडीशन होगा प्राइस एक्शन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हो, जैसे यहाँ पे है। हमारा दूसरा कंडीशन होगा हाइकनासी RSI ओवरसोल्ड होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एकदम है। और हमारा तीसरा और आखिरी कंडीशन होगा लॉन्ग के लिए, इसके प्रीवियस, जैसे यहाँ पे अगर ओवरसोल्ड हुआ है तो इसके प्रीवियस पे यहाँ पे हायर हाई होना चाहिए, तो ये हमारा सिग्नल लॉन्ग के लिए वैलिड होगा। यहाँ पे अगर हायर लो होगा तो ये सिग्नल वैलिड नहीं होगा। इन तीनों कंडीशन के मिलने के बाद हमें फिर वेट करना है। जैसे यहाँ पे एक पुल बैक होगा, ग्रीन बुलिश कैंडल RSI में बिल्ट होगा, हमें तुरंत यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करना है इस कैंडल पे। स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो पे रखना है, टेक प्रॉफिट 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। ऐसे ही हम यहाँ भी देख सकते हैं, प्राइस एक्शन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है और यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ है, इसके प्रीवियस पे हायर हाई प्रिंट हुआ है। अभी हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल आते ही हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करेंगे इस कैंडल पे। स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो, एक प्रॉफिट 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओवर बाइंग हुई है, फिर सेलिंग प्रेशर हुआ है, फिर जैसे ही यहाँ पे बाई सिग्नल आया, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करेंगे इस कैंडल पे। स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो, टेक प्रॉफिट 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। अभी हम बात करते हैं शॉर्ट पोजीशन के लिए कि हमें शॉर्ट पोजीशन कब और कैसे बिल्ड करना है। तो शॉर्ट के लिए प्राइस एक्शन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, और हमें शॉर्ट तभी प्लेस करना है जब हायर लो प्रिंट हो रहे हो यहाँ पे। तो एक हायर लो के बाद यहाँ पे हमें वेट करना है जब भी बाइंग होगी, जैसे यहाँ पे बाइंग हुई। इसके बाद जैसे ही बेयरिश कैंडल एक बिल्ट होगा, हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्ट करेंगे इस कैंडल पे। स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग हाई, टेक प्रॉफिट 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो।
जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस एक्शन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। इसका प्रीवियस हाई हायर लो ये रहा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बने हैं RSI में, और इसके बाद जैसे ही सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ है, बेरिश कैंडल आया हुआ है, हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग हाई पे रहेगा, एक प्रॉफिट 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजी शेयर करते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे चैनल के लिए। थैंक यू।